अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये वेरियस टाइप के साइनोवियल जॉइंट होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे प्लेन, हिंज, कॉन्डाइलर, पाइवोट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल। अब एक एक करके हम सारे जॉइंट्स को समझते हैं क्या इनका बेस है। ऑल्दो ऑल साइनोवियल जॉइंट्स हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, सबके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे, आर्टिकुलर डिस्क है ना, कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूड, ठीक है, ये तो कुछ सबके अंदर कॉमन है। द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस वेरी, दस मैनी टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल। तो जो आर्टिकुलर जॉइंट के जो शेप हैं बोन के शेप के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट उस पर पॉसिबल है। तो साइनोवियल जॉइंट्स आर डिवाइडेड इंटू सिक्स कैटेगरीज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। ये सिक्स टाइप आप बिल्कुल याद कर लीजिए, कौन कौन से, प्लेन, हिंज, पाइवोट, कॉन्डाइलॉइड, सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट। सबसे पहला हम देखेंगे प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट में क्या रहेगा, द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स इन प्लेन जॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेनर जॉइंट, ठीक है। तो आर्टिकुलर सरफेस जो बोन्स के हैं वो कैसे रहेंगे, प्लेन रहेंगे बिल्कुल, उनके अंदर कोई भी सरफेस में डिससिमिलरिटी नहीं होगी। इसकी वजह से उन्हें कई बार प्लेनर जॉइंट भी बोला जाता है, फ्लैट और स्लाइटली कर्व हो सकते हैं ये, लेकिन होंगे दोनों सरफेस ऑलमोस्ट एक जैसे। प्लेन जॉइंट्स प्राइमरली परमिट बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट बिटवीन द फ्लैट सरफेस ऑफ बोन्स, बट दे मेन ऑल्सो रोटेट अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बोन का शेप कैसा है। मैनी प्लेन जॉइंट्स आर बाईएक्सियल, मीनिंग दैट दे परमिट मूवमेंट इन टू एक्सिस। तो ज़्यादातर जो प्लेन जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईएक्सियल होते हैं और वो मूवमेंट करते हैं दो एक्सिस पर। एक्सिस क्या है, एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन अराउंड विच अ बोन रोटेट और रिवॉल्व और स्लाइड, ठीक है। अगर प्लेन जॉइंट रोटेट इन एडिशन टू स्लाइडिंग देन दे आर ट्राई एक्सियल और मल्टी एक्सियल जॉइंट परमिटिंग मूवमेंट इन थ्री एक्सिस, ठीक है। अगर कोई प्लेन जॉइंट स्लाइडिंग के साथ साथ, स्लाइडिंग दो डायरेक्शन हो सकती है, आगे पीछे, साइड टू साइड, अगर किसी किसी में ये स्लाइडिंग के साथ साथ रोटेशन भी होने लगे तो वो ट्राई एक्सियल जॉइंट हो गया, तीन एक्सिस पर हो रहा है, इसका मतलब वो मल्टी एक्सियल जॉइंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इंटर कार्पल जॉइंट, यानी जो हमारे कार्पल्स होते हैं हैंड की, उनके बीच में जो जॉइंट है वो कैसा है, प्लेन जॉइंट है ना। इंटर टार्सल, पैरों में टार्सल बोन्स के बीच में जो है वो कैसा जॉइंट है, प्लेन जॉइंट। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट है वो कैसा है आपका, प्लेन जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर, ये भी कैसा है, एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में। स्टर्नो कोस्टल जॉइंट, बिटवीन द स्टर्नम एंड एंड्स ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज एट द टिप ऑफ सेकेंड थ्रू सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स, क्लियर हो गया। सेकेंड टू सेवेंथ तक क्या है स्टर्नो कोस्टल जॉइंट, प्लेन जॉइंट। वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट, बिटवीन द हेड एंड ट्यूबरकल ऑफ द रिब्स एंड बॉडीज एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रो कोस्टल रिब्स, तो कोस्टल माने क्या होते हैं, रिब्स, तो रिब्स कहाँ अटैच होंगी, लंबर रीजन में होंगे नहीं, सर्वाइकल में होंगे नहीं, कहाँ होंगी, थोरेक्स में होंगी, इसीलिए थोरेसिक वर्टिब्रे इसको बोला गया है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, सेकेंड यूनिफॉर्म, थर्ड यूनिफॉर्म, नेविकुलर बोन, इन सब के बीच में कैसे जॉइंट बनने, प्लेन जॉइंट से। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट की बात करें, इन्हें हिंज जॉइंट और जिंजली मस जॉइंट द
द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द कॉनकेव सरफेस ऑफ अदर बोन. कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द कॉनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन. एज द नेम इंप्लाइज हिंज जॉइंट प्रोड्यूस एंगुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोशन लाइक दैट ऑफ हिंज डोर. तो इस तरीके की हिंज हमें कहाँ मिलती है? दरवाजे में. दरवाजा उसी एक एक्सिस पर ऐसे बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, और जहां पर वो दरवाजा चौखट के साथ जुड़ा रहता है वो क्या होती है? हिंज. इस तरीके से इन मोस्ट जॉइंट मूवमेंट्स वन बोन रिमेन इन अ फिक्स्ड पोजीशन. तो जो हिंज का एक पोर्शन है वो फिक्स रहता है. एंड अदर मूव्स अराउंड एन एक्सिस. हिंज जॉइंट्स आर यूनिएक्सियल. दरवाजा एक ही एक्सिस पर खुलता बंद होता ना, तो हिंज जॉइंट कैसे होते हैं? यूनिएक्सियल होते हैं. बिकॉज दे टिपिकली अलाउ मोशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस. हिंज जॉइंट्स परमिट ओनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन. फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहां पर देखने को मिलेगा? द नी जॉइंट. नी जॉइंट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड हिंज जॉइंट, ऐसा बोला जाता है. कुछ बुक्स में इसे अलग कैटेगरी में रखा गया, स्टैंडर्ड बुक में इसे कहां रखा गया? हिंज में ही रखा गया, लेकिन मॉडिफाइड हिंज जॉइंट विच विल बी डिस्क्राइब्ड लेटर. जब हम इस जॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा ये किस कैटेगरी में आता है. एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, इंटर फैलेंजियल जॉइंट बिटवीन द फैलेंजेस एंड द फैलेंजेस ऑफ द फिंगर्स एंड टोज. इन सब में कौन सा जॉइंट मिलेगा हमें? जहां भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा हिंज जॉइंट मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्डाइलॉइड जॉइंट. कॉन्डाइलॉइड और नकल और एलिप्सॉइडल जॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है. कॉन्डाइलॉइड जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? एलिप्सॉइडल जॉइंट. द कॉन्वेक्स ओवल शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन. कॉन्वेक्स ओवल है ना, ओवल शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन फिट इनटू द ओवल शेप्ड डिप्रेशन ऑफ द अनदर बोन. तो यहां पे कॉन में ओ ओ ओवल वर्ड ज्यादा आ रहा है, तो एक कॉन्वेक्स ओवल होगा और एक कॉनकेव ओवल होगा, ठीक है. ए कॉन्डाइलॉइड जॉइंट इज बाईएक्सियल जॉइंट बिकॉज द मूवमेंट इट परमिट्स इज अराउंड टू एक्सिस. फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो होगा ही, साथ में क्या हो सकता है? एबडक्शन एडक्शन प्लस लिमिटेड सर्कमडक्शन. रिमेंबर दैट सर्कमडक्शन इज नॉट एन आइसोलेटेड मूवमेंट. पहले भी बताया था कि सर्कमडक्शन एक आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं है, दो तीन जॉइंटों के मिल जाने से ही सर्कमडक्शन हो जाता है, ठीक है. दो तीन मूवमेंट जब मिल जाएंगे तो सर्कमडक्शन होगा. एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डाइलॉइड जॉइंट आर रेडियो कार्पल जॉइंट. यहां पर दिख रहा है आपको, ये कार्पल्स है, ठीक है, और ये रेडियस बोन है, ठीक है. रेडियल कार्पल जॉइंट, ठीक है. रेडियस मैक्सिमम एरिया रेडियस कवर करती है, अल्लाह तो अटैच होती नहीं है नीचे वाले सरफेस पर, ठीक है. कौन सी हो रही है? रेडियस. और बोन कौन सी है? स्कैफोइड एंड लूनेट. तो रेडियो कार्पल जॉइंट. मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स मतलब बिटवीन द मेटाकार्पल्स एंड प्रोक्सिमल फैलेंजेस. प्रोक्सिमल फैलेंजेस द सेकेंड थ्रू फिफ्थ डिजिट. सेकेंड थ्रू फिफ्थ डिजिट. एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट. एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट कहाँ मिलेगा हमारा? ऑसिपिट बोन के नीचे ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, और एटलस बोन कहाँ होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रे में, ठीक है. तो ये जो मूवमेंट है कौन सा? ये जो मूवमेंट है, यस. तो यस जॉइंट जो होता है एटलांटो ऑसिपिटल, ये आपका कहां देखने को मिलता है? कॉन्डाइलॉइड जॉइंट में. एक होता है नो जॉइंट, वो अभी देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ इज बॉल एंड सॉकेट. बॉल एंड सॉकेट तो अभी हमने पढ़ा ही था. द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और स्फीरोइड जॉइंट कंसिस्ट ऑफ बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिटिंग इन टू कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन. सच जॉइंट्स आर ट्राइएक्सियल और मल्टीएक्सियल परमिटिंग मूवमेंट अराउंड थ्री एक्सिस. फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन एंड कंप्लीट रोटेशन है ना. एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर शोल्डर जॉइंट, जहां पर क्या होता है? हेड ऑफ ह्यूमरस फिट विद द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला. हिप जॉइंट, जहां पर क्या होता है? हेड ऑफ फीमर फिट विद द एसिटाबुलम ऑफ हिप. अदर जॉइंट कौन कौन से है? टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट. कौन से? टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट और सबटेलर जॉइंट और इनक्यूडो स्टेपेडियल जॉइंट. इनक्यूडो स्टेपेडियल जॉइंट कहाँ होता है? कान में, है ना. कान में तीन बोन होती है आपकी. कौन कौन सी? सिम,
ठीक है, स्टेप्स, इंकस और मेलस। ठीक है, तो इनक्यूडो स्टेपेडियल जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मेलियस, इंकस, स्टेप्स, तीन बोन होती है, ये याद रखनी है आपको, तो याद रहेगा। नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट। सैडल, सैडल जॉइंट, और जिसको क्या बोलते हैं, सैलार जॉइंट। द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ वन बोन इज सैडल शेप्ड एंड द अदर आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ द अदर बोन फिट इन टू द सैडल एज सिटिंग राइडर वुड सिट। घोड़े की सीट का जो कवर होता है ना, साइड टू साइड और आगे पीछे, ठीक है, आप उसके सरफेस को देखिए, साइड टू साइड और आगे पीछे, कुछ इस तरीके का सरफेस बनता है। अगर आप देखोगे इसको उल्टा कर दो, ठीक है, मान लो राइडर बैठा हुआ है घोड़े की सीट पर, ठीक है, साइड टू साइड आगे पीछे, ठीक, द मूवमेंट एट दिस सैडल जॉइंट्स आर द सेम एज दैट ऑफ कॉन्डाइलाइट जॉइंट, दैट इज बाई एक्सियल, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एडक्शन प्लस लिमिटेड सर्कमडक्शन। तो कॉन्डाइलाइट और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ फर्क नहीं है, जॉइंट के सरफेस का फर्क है, क्योंकि ये जो सब कुछ है आर्टिकुलर सरफेस के शेप की वजह से डिफरेंट टाइप के मूवमेंट आ रहे हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वाइवा में, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, यानी थंब का ये जो जॉइंट है, बिटवीन द ट्रेपेजियम ऑफ कार्पस, कार्पस की कौन सी बोन, ट्रेपेजियस, एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। इसके अलावा कौन सा है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, है ना, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कैसा है, वो भी सैडल जॉइंट है। कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट, ये कहाँ मिलेगा आपको, नीचे पैर में, कैल्केनियम और क्यूबॉइडल में। इनक्यूडो मैल्यूलर, इनक्यूडो मैल्यूलर जॉइंट, बिटवीन द फीमर एंड पटेला, है ना, पैर में फीमर और पटेला में। और इनक्यूडो मैलियस कहाँ होगा, इनकस और मैल्यूलस कहाँ, मैलियस कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, कान में। तो इनक्यूडो मैल्यूलस, ये चार जॉइंट आपको कहाँ याद रखने हैं, आपको सैडल जॉइंट में। क्लियर। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट मैंने बोला था अभी, एक यस जॉइंट बताया था आपको, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, यस, और एक था नो जॉइंट। नो जॉइंट आपका है एटलांटो ऑसिपिटल, नहीं, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, यानी C1 और C2 के बीच में, है ना, सर्वाइकल 1 वर्टिब्रे और सर्वाइकल 2। रोटेट अराउंड द एक्सिस एंड परमिट द हेड टू टर्न साइड टू साइड व्हेन यू शेक योर हेड नो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट और ट्रोकॉइड, ट्रोकॉइड जॉइंट, द राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद द रिंग, रिंग फॉर्मड बाई अनदर बोन एंड पार्टली बाई लिगामेंट। तो इसमें साथ में बोन के साथ साथ और क्या होगा, लिगामेंट। आप देखो, मान लीजिए ये बोन है दूसरी और इसमें ये लिगामेंट लगा हुआ है, और ये ब्लू कलर वाली बोन उसके अंदर रोटेट हो रही है उस रिंग के अंदर इसके, ठीक है। द पाइवट जॉइंट इज यूनि एक्सियल बिकॉज इट अलाउज रोटेशन ओनली। पाइवट जॉइंट पे क्या होगा, केवल और केवल रोटेशन होगा अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके अराउंड ये मूव करेगी। तो एक तो ये हो गया एटलांटो एक्सियल नो जॉइंट, और एक ये प्रोनेशन सुपिनेशन है ना, रेडियो अल्नर जॉइंट दैट एनेबल्स पाम्स टू टर्न एंटीरियरली एंड पोस्टरली एज द हेड ऑफ द रेडियस पाइवट अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ रेडियल लॉन्च ऑफ अल्ना। तो देखिए, ये अल्ना है, अल्ना के पास ये एरिया कौन सा है, रेडियल नॉच। इस रेडियल नॉच के डिप्रेशन में क्या फिट है, हेड ऑफ रेडियस, और इसको सपोर्ट क्या दिया गया है, कौन से लिगामेंट ने, एन्यूलर लिगामेंट में। इस एन्यूलर लिगामेंट की रिंग बनी, इसीलिए रेडियस इसके अंदर ऐसे रोटेट करती रहती है, ठीक है, ये यूनि एक्सियल जॉइंट है, और ये हमारा हेड का बैक पोर्शन ये ऐसे ऐसे दिख रहा है। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा साइनोवियल जॉइंट टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन साइनोवियल जॉइंट, लेकिन उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में वो सारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट देख चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि हमारे जॉइंट्स में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। ये चीज़ें हम, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, क्विक आइडिया, ये आपको थोड़ा याद आ जाएगा, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ग्लाइडिंग या एंगुलर मूवमेंट होगा या फिर तो आपका रोटेशन होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये सारी स्लाइड याद आती जा रही होंगी, ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट पर मूवमेंट एट साइनोवियल जॉइंट्स आर ग्रुप्ड इनटू फोर मेन कैटेगरी, कौन कौन सी, ग्लाइडिंग,
एंगुलर मूवमेंट, रोटेशन एंड स्पेशल मूवमेंट विच अकर्स ओनली एट सर्टेन जॉइंट्स। तो ये सब के लिए आपको फर्स्ट वाली वीडियो में ये सारे आप पढ़ चुके हो, तो इसको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी के साथ अपना ये जॉइंट चैप्टर ख़त्म होता है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मसल्स।